प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है हर घर पाठशाला में। तो आज हम अपना फोर्थ चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, HTML फंडामेंटल्स, यानी कि HTML के मूलभूत सिद्धांत। मैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका यूज़ किया जाता है तरह तरह की वेबसाइट बनाने में, ठीक है। HTML से हम बनाते हैं वेब पेजेस, ठीक है। जब हमारे पास बहुत सारे वेब पेजेस हो जाते हैं तो वो मिलकर बनाते हैं एक वेबसाइट, ठीक है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। HTML को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहूँगा। अब देखो, दुनिया का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था वो बना था 1930 को, यानी कि 1930 को। अब देखो, कंप्यूटर की खोज तो हो चुकी थी, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो बन के तैयार था। अब हुआ ये कि 1939 को दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये विश्व युद्ध जो दूसरा विश्व युद्ध था वो चला था 1945 तक, यानी कि पूरे 6 साल। अब दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म होने के बाद भी तीसरे विश्व युद्ध की जो थी वो पॉसिबिलिटीज बन रही थी। बहुत सारे ऐसे देश थे जिसमें चीन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सब में जो था वो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, ठीक है। ऐसे में संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वो इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित था कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। तो ऐसे में वो एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाह रहे थे कि एक जगह से कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह पे भेजा जा सके, यानी कि सारे के सारे देशों का जो जायजा था वो एकदम से लिया जा सके। तो वो एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाह रहे थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये काम सौंपा था फिर JCR लिक लीडर को, जो कि एक संयुक्त राज्य अमेरिका की जो एक एजेंसी थी वहाँ का एक ऑफिसर था। JCR लिक लीडर ऑफिसर ऑफ DARPA, यानी कि डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो उन्होंने जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो ये ऑफिसर थे उन्होंने ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया इस काम के लिए, इस नेटवर्क को बनाने के लिए। उसका नाम रखा था उन्होंने इंटरगैलेक्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे निकलता है कि इंटरनेट का पुराना नाम क्या था। तो इंटरनेट का पुराना नाम जो है वो इंटरगैलेक्टिक नेटवर्क है, ठीक है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं इसके इतिहास के बारे में। अब देखो, JCR लिक लीडर को ये काम सौंप दिया गया। अब JCR लिक लीडर ने क्या किया कि अपनी संस्था के दो काबिल अधिकारियों, एक विंटकाफ और दूसरे थे रॉबर्ट कहान, इनको ये काम सौंपा उन्होंने कि वो एक ऐसा नेटवर्क बनाए कि एक कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जा सके। तो विंटकाफ और रॉबर्ट कहान ने ठीक 1974 को TCP बनाई, यानी कि TCP का जो फुल फॉर्म है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब TCP का काम रहता है कि जब भी हम एक कंप्यूटर से डाटा को भेजते हैं ना, तो डाटा जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट जाता है। जैसे आपको भी पता होगा कि जब आप कोई वीडियो भेजते हैं ना, तो वो डाटा जो है वो टुकड़ों में टूट के जाता है। ऐसा थोड़ा ना कि 1 GB का भिजवा आप 1 GB का सेंड हो जाएगा एकदम से, नहीं, वो जाएगा MB में, यानी कि टुकड़ों में जाएगा। अब उस डाटा को टुकड़ों में तोड़ने का काम जो करती है वो करती है TCP। TCP एक प्रोग्राम है, कोई हार्डवेयर नहीं है, एक प्रोग्राम है। ये क्या करता है, उस डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। अब देखो, इन्होंने TCP की खोज तो कर दी। अब बात थी कि TCP की खोज तो होगी, डाटा को टुकड़ों में तोड़ने वाला जो काम था। अब बात थी कि कंप्यूटर का जो डाटा है वो दूसरे कंप्यूटर तक कैसे पहुँचाया जाए। तो उस टाइम जो था वो वायरलेस टेक्निक तो थी नहीं। तो उस दौरान डॉक्टर रॉबर्ट मिलकप थे, इन्होंने 1976 को एथरनेट कोएक्सल केबल की खोज की, ठीक है। एथरनेट कोएक्सल केबल से अब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जा सकता था, ठीक है, और डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजना जो था वो आसान हो गया। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम और बनी हुई थी। हुआ ये कि TCP की खोज तो होगी, डाटा को टुकड़ों में बांटा जा सकता और कंप्यूटर पे भेजा भी जा सकता था। होता ये था कि वो डाटा एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे नहीं जा रहा था, सारे के सारे कंप्यूटर पे वो डाटा शेयर हो जा रहा था। तो ऐसे में फिर ठीक 1983 को विंटकाफ और रॉबर्ट कहान ने IP की खोज की, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल की खोज की, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल भी एक प्रोग्राम ही होता है। अब IP की जब खोज हुई तो कंप्यूटर को एक खास एड्रेस जो था वो देना आसान हो गया। जैसे हम क्लास में करते हैं ना, हर एक स्टूडेंट को अलग रोल नंबर देते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर को एक नंबर, एक एड्रेस देना आसान हो गया, जिससे डाटा को भेजना जो था वो बिल्कुल ही आसान हो गया। अब ऐसा था कि जब
डाटा भेजना होता था किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर पे, तो इस खास आईपी एड्रेस के जरिए ही भेजा जाने लगा। जैसे मान लो इस एड्रेस पे भेजना तो इसी एड्रेस पे डाटा जा रहा था, इस पे भेजना तो इसी पे डाटा जा रहा था, यानी कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करना जो था वो बिल्कुल आसान हो गया। तो अब एक और दिक्कत थी कि डाटा तो भेजना आसान हो गया, लेकिन उस डाटा को एक सही तरीके से कैसे कंप्यूटर के ऊपर देखा जा सके। तो ऐसे में फिर टिम बर्नर्स-ली ने 1990 को HTML की खोज की, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हुई थी HTML की खोज 1990 को, और उन्होंने दुनिया का जो पहला वेब ब्राउज़र बनाया था वो था WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, यही था दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र। तो टिम बर्नर्स-ली ने फिर 1990 को HTML की खोज की और उन्होंने बनाया था वर्ल्ड वाइड वेब। अब वेब ब्राउज़र के ऊपर जो था वो डाटा को देखना जो था वो बिल्कुल आसान हो गया, ठीक है। अब इसके चलते डाटा को देखना तो आसान हो गया, लेकिन एक अच्छा सा मतलब एक इंटरफेस जो था वो नहीं मिल रहा था। यानी कि एक बोला जाए तो एक अलग से एक प्लेटफॉर्म जो होता है ना, जैसे मान लो किसी एक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। तो इसके लिए फिर उन्होंने फिर टिम बर्नर्स-ली ने 1991 को, ठीक है, उन्होंने दुनिया की पहली वेबसाइट की खोज की, ठीक है। दुनिया की जो पहली वेबसाइट थी वो https://info.cern.ch, ये दुनिया की पहली वेबसाइट है और अभी भी इंटरनेट के ऊपर ये चल रही है, ठीक है, इसको हम यूज़ करके देख सकते हैं। तो ये था HTML का इतिहास जो इसके पीछे रहा है, ठीक है। तीसरा विश्व युद्ध था वो हुआ नहीं था, वो तीसरा विश्व युद्ध जो था वो एक शीत युद्ध के नाम से फिर घोषित हुआ था। उसका नाम शीत युद्ध रखा गया था क्योंकि देश जो थे उन्होंने सिर्फ ये जो लड़ाई नहीं हुई थी आपस में, सिर्फ धमकियों तक ये युद्ध रह गया था, इसलिए उसको शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन HTML के पीछे जो इतिहास था वो यही रहा है इसकी खोज के पीछे, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं HTML से हम वेबसाइट बनाते हैं। अब देखो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि आजकल जो प्रेजेंट में जो स्थिति है हर एक डिपार्टमेंट की, तो अब देखो दुनिया में जो तरह तरह के डिपार्टमेंट है, जैसे मान लो हमारा डिपार्टमेंट है एजुकेशन का, या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, हेल्थ का अपना डिपार्टमेंट है, IPH का अपना डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का अपना डिपार्टमेंट है, होटल्स अलग से हैं, वेदर का अपना अलग डिपार्टमेंट है, जो गारमेंट्स बनती है, क्लोथ्स वगैरह बनते हैं उनका अपना है, गाड़ियाँ बनती हैं उनका अपना डिपार्टमेंट है, रेलवे का अपना डिपार्टमेंट है, और ये जो एयरप्लेन्स वगैरह होते हैं इनका अपना डिपार्टमेंट है, और हर एक डिपार्टमेंट की अपनी एक वेबसाइट है। हर एक डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, हर एक डिपार्टमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो उनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल रहती है, ठीक है। और ये वेबसाइट जो है वो रहती है एक कंप्यूटर सर्वर के अंदर, ठीक है। जो भी वेबसाइट है, जितने भी डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, वो सारी की सारी जो वेबसाइट्स हैं वो रहती हैं इन कंप्यूटर सर्वर के अंदर। कंप्यूटर सर्वर जो है वो एक कंप्यूटर सर्वर को हम एक प्रोग्राम बोलते हैं एक्चुअल में, जो होता है ना कंप्यूटर सर्वर एक हार्डवेयर नहीं है, वो एक हार्डवेयर के अंदर रहता है, मतलब इस तरह का जो कंप्यूटर रहता है उसके अंदर ही है, लेकिन होता सर्वर जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हमारी वेबसाइट्स रहती हैं, और जो वेबसाइट्स होती हैं वो तरह तरह के वेब पेजेस के साथ मिलकर बनती हैं, और ये जो सारे के सारे जो वेब पेजेस होते हैं इन वेब पेजेस को हम बनाते हैं HTML के साथ, ठीक है। ये सारे के सारे जो वेब पेजेस बनते हैं ये बनते हैं HTML के साथ, और ये सारे के सारे जो वेब पेजेस जो हैं हमें जो नज़र आते हैं वो इन सारे के सारे जो वेब ब्राउज़र हैं इनके ऊपर, ठीक है। अब आपको पता ही होगा जब आपने मोबाइल फ़ोन पे इंटरनेट चलाना हो, सर्फ करना हो, तो जो वेबसाइट आप ओपन करते हो तो इस तरह के जो वेब ब्राउज़र हैं उनके ऊपर ओपन करते हो। UC ब्राउज़र भी है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा है, ठीक है, तरह तरह के वेब ब्राउज़र हैं इन वेबसाइट यानी कि इन वेब पेजेस को देखने के लिए। अब देखो वेब पेजेस जो होते हैं, एक वेबसाइट के अंदर एक पेज नहीं होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, होता है ना कि हम वेबसाइट ओपन करते हैं और क्लिक करते हैं और एक और पेज ओपन हो जाता है, फिर उस पेज के अंदर एक और लिंक बना होता है, उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं फिर एक और पेज ओपन हो जाता है, यानी कि वो तरह तरह के जो वेब पेजेस निकल के आते हैं वो होते हैं एक वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो वेब पेजेस बनते हैं वो बनते हैं HTML के अंदर, ठीक है, और नज़र कहाँ पे आते हैं, उन वेब ब्राउज़र्स के अंदर, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज HTML, HTML क्या है।
HTML stands for Hypertext Markup Language that is used to create web pages and these web pages has to make a website. ठीक है, तो HTML की जो फुल फॉर्म है वो है Hypertext Markup Language, जिसका इस्तेमाल किया जाता है वेब पेजेस को क्रिएट करने में. एंड दीज वेब पेजेस हैज टू मेक अ वेबसाइट, और ये वेब पेजेस जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं एक वेबसाइट को बनाने में. ठीक है, दी वेब पेजेस आर क्रिएटेड विद HTML टैग्स. ठीक है, ये जो वेब पेजेस क्रिएट किए जाते हैं वो HTML टैग्स होते हैं, यानी कि कोड्स होते हैं. दैट कैन इंक्लूड, अब इनमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, इनमें हम क्या क्या डाल सकते हैं टैग के जरिए अपने वेब पेजेस के ऊपर. एनिमेटेड ग्राफिक्स, हम ग्राफिक्स डाल सकते हैं, एनिमेटेड पिक्चर्स डाल सकते हैं, साउंड डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स हम डाल सकते हैं, गेमिंग्स वगैरह हम डाल सकते हैं. ये आपको पता ही होगा कि इंटरनेट के ऊपर हर एक वेब पेज के ऊपर जो है वो ये तरह तरह की इन्फॉर्मेशन डाली जा सकती है, जहाँ पे वीडियो भी मिलती है, गेमिंग भी मिलती है, पिक्चर्स मिलती हैं, साउंड मिलती है, वीडियोस मिलती हैं, MP3 गाने मिलते हैं, सब कुछ मिलता है. यानी कि इन सारी की सारी चीज़ों को हम HTML के जरिए जो है वो अपनी वेबसाइट में, यानी कि अपने वेब पेजेस के ऊपर जो है वो डाल सकते हैं. ठीक है, तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज एन HTML टैग. HTML टैग क्या है? HTML टैग्स आर द इंस्ट्रक्शंस और सिग्नल्स और लाइंस ऑफ कोड टू अ वेब ब्राउजर दैट थ्रो अप टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन एंड इंडिकेट हाउ अ पार्ट ऑफ वेब पेज शुड बी डिस्प्लेड. ठीक है, तो जो HTML टैग्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, निर्देश होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, या लाइंस ऑफ कोड बोलो इनको. ठीक है, HTML टैग्स के होते हैं, उनको कोड्स बोलो, हम कोड्स ही लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, वो एक तरह के निर्देश ही होते हैं टू ए वेब ब्राउजर, एक वेब ब्राउजर के लिए, क्योंकि वेब पेजेस कहाँ पे ओपन होते हैं, वेब ब्राउजर के अंदर. तो HTML टैग्स जो होते हैं वो कोड होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं वेब ब्राउजर के लिए, दैट थ्रो अप टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन, जो क्या करते हैं, थ्रो करते हैं टेक्स्ट को ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर. ठीक है ना, यही कोड होते हैं जो पिक्चर्स और जो भी टैक्स वगैरह लिखा होता है उसको थ्रो करता है स्क्रीन के ऊपर. एंड इंडिकेट, और यह भी निर्देशित करता है कि हाउ अ पार्ट ऑफ वेब पेज शुड बी डिस्प्लेड, और ये भी इंडिकेट करता है कि वेब पेज जो है वो, वेब पेज का जो पार्ट है वो कैसा दिखाई देना चाहिए. ठीक है, हाउ अ पार्ट ऑफ वेब पेज शुड बी डिस्प्लेड. HTML टैग्स आर बिगिन विद ओपन एंगल ब्रैकेट. अब जो HTML टैग्स जो होते हैं वो शुरू होते हैं ओपन एंगल ब्रैकेट बोलते हैं, ये जो लेस देन है, एंड एंड्स विद क्लोज एंगल ब्रैकेट, और बंद होते हैं क्लोज एंगल ब्रैकेट से. तो आज के लिए इतने काफ़ी था, कल फिर हम HTML के फर्स्ट प्रोग्राम के साथ मिलेंगे कि कैसे हम HTML कोड्स को लिखते हैं और उन कोड्स को हम कैसे रन करते हैं. तो आज के लिए इतने काफ़ी था, कल फिर मिलेंगे, तब तक सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें. जय हिंद, जय हिमाचल.